ओआरएस पाउडर यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का घोल कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है, ये क्वेरी ज्यादातर पेशेंट्स की रहती है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वीनू जैन है और मैं दिल्ली में जनरल फिजिशियन हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। ओआरएस पाउडर का घोल बनाने से पहले जिस भी अपने हाथों को सोप एंड वाटर से वॉश करना है। जिस भी कंटेनर में ओआरएस पाउडर का घोल बनाना है उसे पहले सोप एंड वाटर से वॉश करना है। देन 1 लीटर प्री बॉइल्ड या ट्रीटेड वाटर को उस कंटेनर में पोर करना है और ओआरएस का पाउडर उसमें मिला लेना है। ओआरएस पाउडर कैसे यूज करते हैं? अगर इन्फेंट्स या टॉडलर को वॉमिटिंग या डायरिया हुआ है तो 0.5 लीटर ओआरएस का घोल 24 घंटे में देना होता है। अगर थोड़े बड़े बच्चों को वॉमिटिंग या डायरिया होता है तो 1 लीटर ओआरएस का घोल 24 घंटे में बच्चों को देना होता है। और अगर एडल्ट्स को वॉमिटिंग एंड डायरिया है तो 3 लीटर ओआरएस का घोल पूरे 24 घंटे में इनको देना होता है। ओआरएस का जो घोल होता है उसे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा पे नहीं रखना है और हीट या मॉइस्चर से भी अवॉइड करना है एंड कोल्ड स्टोरेज में भी स्टोर नहीं करना है। ओआरएस को 24 घंटे से बने हुए अगर ज्यादा हो गया है तो उसे डिस्कार्ड कर देना है क्योंकि बैक्टीरियल कंटामिनेशन की रिस्क बढ़ जाती है। ओआरएस पाउडर के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो एक पैकेट में 20.5 ग्राम पाउडर होता है जिसमें 13.5 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज होता है, 2.6 ग्राम सॉल्ट होता है, 1.5 ग्राम इसमें पोटेशियम होता है एंड 2.9 ग्राम सोडियम सिट्रेट होता है। क्या आप घर पे भी ओआरएस का पाउडर बना सकते हैं? जी हाँ, 1 लीटर पानी में 6 चम्मच शुगर और 0.5 चम्मच सॉल्ट मिला करके आप ओआरएस का घोल घर पे भी बना सकते हैं। ओआरएस पाउडर किन किन लोगों में बहुत ही कॉशियसली यूज करना चाहिए? फर्स्ट, ऐसे मरीज जिन्हें अंडरलाइन लिवर डिजीज है, हार्ट डिजीज है या किडनी डिजीज है, इन सभी में ओआरएस का घोल बहुत कॉशियसली यूज करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जिनको आंतों में रुकावट है उनमें भी बहुत कॉशन के साथ ओआरएस का घोल यूज करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।